वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। क्या बात है शेख साहब, खैरियत तो है? आप लगातार उम्मत चाचा से गुफ्तगू में लगे हुए हैं, कोई खास बात है क्या? कोई खास बात नहीं है, इससे मुलाकात हुई तो सोचा खैरियत पूछ लेते हैं, लेकिन तुम अलग परेशान नजर आ रहे थे, आपको भी पूछ लिए। क्या बताए इमाम साहब, बीवी मर गई, जमीन जायदाद बेच के बेटियों की शादी कराई। अब सोचा था कि बड़े बेटे को EA BA करवाया है तो उसकी शादी में 3-4 लाख मिल जाएंगे, और दूसरे बेटे को भी ना दिया। अब जो तीसरा बेटा है जिसने ग्रेजुएट किया है, उसका नाम धीरू मियाँ, उनकी बेटी से शादी कराएंगे। हमने ये डिमांड किया है कि हमारे बेटे ने ग्रेजुएट किया है तो हमें एक पटैया, सोने की अंगूठी, लोहे की अलमारी। अच्छा, वो डगर मगर कर रहे थे, यानी डर मटोर कर रहे थे, नंबर दीजिए मैं बात करता हूँ। जी हाँ, मोबाइल नंबर है लेकिन याद नहीं। हेलो, क्या आप झगड़ू मियाँ बोल रहे हैं? मैं शेख मुकद्दर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जहाँ कहीं पर भी आप फौरन अभी इसी वक्त मेरे से मुलाकात करें। जी ठीक है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन झगड़ू मियाँ खान थे? दरअसल बात यह है, मेरी बेटी की शादी इनके बेटे के साथ 32 मई 1961 को होने वाली है। मेरे बेटों की शादी कर दी है, वो अपनी बीवियों को लेकर अलग हो गए, जमीन जायदाद भी नहीं कि दहेज के पैसे बना सकूं। मीटू चौधरी से 2 लाख रुपए उधार लिए थे और कुछ पैसे चंदा जमा करके तकरीबन 20,000 रुपए ही हुए। अच्छी बात है, मैं आपसे मिलने ही आ रहा था, आपने मुझे फोन किया तो मैं खुश हो गया कि आपसे कुछ रकम अदा कर लिए। अब मैं आपसे कुछ कहूँ? अगर आप मुझे 50,000 रुपए दे तो कुछ बात बन जाए। अरे झगड़ू मियाँ, आपको नहीं मालूम मेरे घर में 53 आदमियों का खर्चा है, इसके अलावा बहुत से खर्चे रहते हैं, मेरी तरफ से ये ना ही समझो तो बेहतर है। और जुम्मन भाई की रकम अभी पूरी करें, और जुम्मन भाई की रकम पूरी करें, और सौदा रहा तो कीमत भी अच्छी देनी होगी। अगर आपकी इजाजत है तो एक बात करें। कहो। वैसे तो ये बात पहली नहीं थी, छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन आप जुम्मन भाई का गाल बिछा रहे, इसका आपको दलाली मिली है क्या? खामोश हो जाओ भिखारी, मेरे सामने से चला करें। दे दीजिए शेख साहब, संदीप जी को माफ कर दीजिए। संदीप जी आप यहाँ से टल जाइए, बड़ी मेहरबानी होगी। अरे जुम्मन भाई, आप कहाँ तक फंस गए, आपका एक बेटा ग्रेजुएट किया है। अरे झगड़ू मियाँ, देश भी में टाल मटोल कर रहे, मेरी भी एक बेटी है, मैंने भी अपनी बेटी की शादी कराई है, मैंने अपने बेटे को जेल में वॉशिंग मशीन, कपड़ा, कूलर, फ्रिज वगैरह दिए, और अपने नसू भाई को BMW कार दिए, 1 लाख के शेरवानी, 80,000 के जूते और 3,000 की चड्डी। आपकी बात भी ठीक है, आपको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दे रखा है, आपने अपनी बेटी को जो कुछ दिया है अपनी खुशी से दिया है, लेकिन ये तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ना। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दहेज दिया था, लेकिन ये जुम्मन चाचा अपनी बेटी के लिए लड़की वालों से नाजायज दहेज मांग रहे हैं, ये तो सरासर हराम है और लड़की वालों पर जुल्म है। दादा जान, एक बार हमारे MBA स्कूल में हमारे उस्ताद मोहतरम ने फरमाया था कि लड़का वाला अगर तिलक सलामी और दहेज की मांग करता है तो लड़की वालों पर जुर्म करता है, मगर बाद लड़के वाले ये समझते हैं कि फजूल छोटी शोहरत और नाम के लिए सिर्फ फजूल खर्चा करके वो दूसरे
क्या हमें मालूम नहीं आपके बेटे की शादी थी तो आपने मेरी लड़की वालों से दहेज में कूलर कूलर वॉशिंग मशीन और 3-4 लाख रुपया लिए थे और जब कमी पड़ने पर लड़की वालों को धमकाया भी था। ओ झुम्मन चाचा, हमने तिलक चला भी तोड़ा ही दिया था, वो भी लड़की वालों ने जायज में दिया था। आपको क्या मालूम जायज है ना इस्लाम में जायज है, तिलक सलामी लेना ना जायज है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत है मौलाना जाकिर साहब? खैरियत तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये बहस मुबाइसा किस बात पर चल रहा है? कोई खास बात नहीं है, बस ये झुम्मन चाचा अपने बेटे चित्तर बाबू की शादी करा रहे हैं तो लड़की वालों से भेजा मांग कर रहे हैं। हम इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हमको तरस रहे हैं, यानी किसी झुम्मन उसे हम तो कह रहे हैं कि आपने अपनी लड़की की शादी में जहेज दिया था तो हमने क्या गलत कर दिया? जहेज देना तो इस्लाम में जायज है ना, अब आप ही समझाइए जरा। इमाम साहब आपका इसमें भी थोड़ा कम है, तिलक सलामी हो या दहेज की मांग छाल ये सब हराम है, गलत है, हमारे हमारे मुस्लिम माशरे में हराम है, ये सब नाजायज है। बस कीजिए इमाम साहब, धुएंदार तकनी हो गई, अभी आप जमीन पर गए हैं, अपने में जाकर देखिए आपने अपने लड़की की शादी में लड़के वाल लड़की वाले से 3 लाख रुपए नकद और एक मोटरसाइकिल ली थी। घरेलू इंतजाम करके दिया
सीरत का मुताला कीजिए। और विनोद और बहन ने ये चीज डाल लीजिए, जायज देना हराम है और इस सीरत को अपने दिमाग से बाहर निकालनी चाहिए। हमें माफ कर दीजिए मौलाना साहब, हम इस बुरी लानत में फंसे हुए थे। आज हमारे माशरे में जिंदगी हो और लड़की लड़कों की खड़ी दो फरोक मिजाज हो रहा है और इन्हें माले तिजारत रखा गया है। कभी लड़की वालों की तरफ से, कभी रिश्तेदार वालों की तरफ से, कभी तुम लड़की वालों की तरफ से, ना सिर्फ एक रकम की लगाई लगा दी जाती है।